गांव में इतनी माताएं रहती हैं। रिकॉर्डिंग समझ में आ गई कहाँ चीज है। अच्छा अगली बार अगर करेंगे तो समझ आएगी कि क्या चीज है या फिर भी नहीं आएगी। तो जैसे आप लोग आए हैं आप और लोगों को समझाइए तो अच्छा रहेगा। देखिए ये अभी कौन सा युग चल रहा है, ये अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का जैसे बोलते हैं ना कि तारण मंत्र जो हमें तार देगा पार ले जाएगा इस भवसागर से, इसको क्या बोला जाता है भवसागर। इस भवसागर में हम घूमते चले जाते हैं। अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है जरूरी नहीं है, हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमें जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर मिलेगा। आगे किसी पशु का पक्षी का पेड़ का पौधे का कोई भी शरीर मिल सकता है। आपने सुना है 84 लाख योनियों के बारे में? सुना है 84 लाख योनियों के बारे में? सुना है ना। तो एक ही जीवात्मा ना कभी किसी योनि में चला जाता है कभी किसी योनि में। ऐसा नहीं है कि जो पेड़ बना हुआ ही हमेशा पेड़ रहेगा और जो मनुष्य है वो हमेशा मनुष्य रहेगा। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हम भी ऐसे भगवान कहेंगे तुम्हें तो मनुष्य शरीर की जरूरत ही नहीं थी, मनुष्य शरीर में आपको मेरा नाम लेना चाहिए था, लेकिन आपने नाम नहीं लिया तो पेड़ बन जाओ, पेड़ बन जाएंगे, है कि नहीं। तो हमारा आज का जो उद्देश्य था ये था कि सबको भगवान का नाम प्राप्त हो, सब जाने भगवान के विषय में। तो आप सभी को अच्छा लगा? तो एक बार सभी हमारे पीछे हरे कृष्ण महामंत्र बोलिएगा।